बहुत अजीब सा एरिया है। असल में गाड़ी नहीं आ सकती, गली बड़ी छोटी सी। अदनान में थोड़े दिन रुकूंगी, मुझे नहीं पता मैं आ नहीं रह सकती। अम्मी से तो मिलना पड़ेगा ना यार, ये वो पुराना घर है नाना गाँव। अम्मा अम्मा देखो कौन है। आए मेरा अब्दू, आए कहाँ था तू, मैं तो तड़प के तुझे देखने के लिए। आए गुलजार गुलजार, आए देखो कौन आए। आए क्या हो गया अम्मा, क्यों चिल्लाए जा रही हो। देख तो सही कौन आए। आ गई तुम्हें घर की याद, यकीनन अम्मा इसके पास ना पैसे खत्म हो गए होंगे। वैसे अदनान तू है बड़ा भीख मंगा, जब तेरे पास नोट खत्म हो जाते ना तब तुझे अम्मा बहनों की याद आती है। देखो तो कौन आया, बिना वजह शुरू हो जाती है। बेटा ये यहाँ कैसे। वैसे अदनान तुझे लड़की दी कैसे उन लोगों ने, तू तो इंतहाई नाकारा निखटू कामचोर कहीं के। वैसे ना अभी मुझे बड़ी जरूरी काम से जाना है, वापस आके तेरी खबर लेती हूँ, देता तो जा तू। आए हाय जल गई भाई की बीवी को देख के। ए गुलनाज देख कौन आए। आए मेरा लाल। ए भैया ये लड़की तुम्हारे साथ आई है। भाभी है तुम्हारी। भाभी मेरी भाभी, कितनी प्यारी है। अरे सब कुछ यही करेगी कि अंदर भी लेके आ गया। मैं कोई लावारिस नहीं जो ऐसे सलूक करते हैं आप लोग मेरे साथ। पॉकेट मनी तक नहीं मुझे देते, भिखारियों की तरह मांगनी पड़ती है आप लोगों से। 2 लाख रुपए कुछ कम पैसे नहीं होते मेरी। मेरा गुजारा नहीं होता उसमें। अच्छा मेरा शौहर करोड़ों कमाता है तो क्यों करूं मैं गुजारा 2 लाख में। तुम्हारा कोई शौहर भी है ये याद है तुम्हें। क्यों इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है, जब शौहर है तो याद रहेगा ना। मगर उसके बच्चे को कत्ल करते वक्त तुम्हें याद नहीं रहा था कि तुम्हारा कोई शौहर भी है। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तुमने अशर के बच्चे पैदा होने से पहले ही मार डाला। किससे पूछे, किसकी इजाजत से। झूठ मत बोलो तुम, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। मामा जो कह रही वो सच। नहीं अशर, आंटी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मामा प्लीज आप मुझे बताएं, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी मैं अभी से डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा और सारी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। बेटे जो तुमने सुना वो सब सच। डॉक्टर फारुक ने मुझे फोन करके बताया था कि इसने क्या किया। शर्म आनी चाहिए, तुमने कोई गुनाह नहीं किया था जो तुमने उसे मिटा दिया। और तुम्हें किसने कि तुम ये सब कुछ करो। इस बच्चे का बाप मैं था, तुमने मुझसे नहीं पूछा क्यों, बताओ क्यों। क्योंकि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती, मुझे मॉम के पास जाना, मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए अपने सर पे। तो फिर मैरीन तुमने मुझसे शादी की, औलाद को किस्मत करके खत्म कर डाला। मैंने कोई गलती नहीं की है, जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। और हाँ मैं नेक्स्ट मंथ अपनी मॉम के पास वापस जाऊंगी।
क्या करो मेरे, अम्मा गुस्से में अभी। ऐसे ही उनका गुस्सा ठंडा होगा, हम यहाँ से उनको लेकर चले जाएंगे। दो चार दिन की बात है, प्लीज दो चार दिन यहाँ पे रुक जाओ। दो चार दिन सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अब इस घर में नहीं रहना, ना ये घर मुझे तुम्हारे नाना का लग रहा है और ना ही वो औरतें तुम्हारी माँ बहने लग रही है मुझे। अद्दू अद्दू बेटा, मैंने तेरी बीवी के लिए ना बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा बनाकर रखा है। थोड़ी देर में गुलनार आ जाए, फिर उसका अच्छा खासा मेकअप करके ना मोहल्ले वालों के सामने लेकर जाऊंगी। ठीक है माँ। आजा बेटा, मैं तुझे तैयार करूँ, सारे मोहल्ले वाले आते होंगे। चल मेरा बेटा। छोड़ी मुझे, समझा लो इस औरत को, ये मुझे हाथ ना लगाए। संभाल कर बात करो। माँ है मेरी, जैसा कहती है ना वैसा कर, वरना जबान काट के ना हाथ में रख दूंगा। ले जा इसे यहाँ से। चल चल यहाँ से चल। सोच लो समीरा, अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिलाना तो मजबूरन मुझे अनीक से रابطہ करना पड़ेगा। क्या करूं, इस मकान का शेर तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इतने पैसे भी खा गया और काम भी नहीं किया मेरा, ऊपर से ब्लैक मेलिंग कर उतर आया है। कहीं उसने अनीक को बता दिया तो? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। पापा ये तो मेरा फर्ज है, बस आप जल्दी से ठीक होकर अपने बिस्तर से उठ जाएं। इंशाल्लाह भाई, जब तुम जैसी बेटी की दुआएं साथ होंगी और खिदमत गुजारियां साथ होंगी तो ठीक कैसे नहीं होगा। पापा आप जल्दी से जूस पी लें, फिर मैं आपको आपकी पसंदीदा किताब पढ़ के सुनाऊंगी। तुम तो बच्चों की तरह बहला रही हो। माँ बाप बचपन में जैसे बच्चों को बहलाते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो वो फर्ज बच्चों को अदा करना पड़ता है। जीती रहो, अल्लाह तुम जैसी बहू सबको दे जो बेटी बनकर माँ बाप की खिदमत करे। महरीन नहीं है घर पे, आ जाई नहीं? पापा वो अपने मामा के घर गई है, वहां पर किसी की शादी थी। अब कैसे बताऊं पापा कि वो घर में है लेकिन फिर भी आपको देखने नहीं आई। आज शाम को मैं आपको बाहर लॉन में वॉक करवाऊंगी। ठीक है। अच्छा आप जल्दी से जूस पी लेना। मुझे चाहिए थी। ये मेरा घर पहले है और बाद में किसी और का, तो मुझे अगर कुछ चाहिए होगा ना खुद ले लूंगी। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा घर है और इस पे तुम्हारा पूरा पूरा हक है। शोहर तो तुम मेरा छीन ही चुकी हो, अब किस हक की बात कर रही हो तुम? सुहाग छीन कर हक की बात करती है। अच्छा मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। तुम्हारा महवीर से कोई रابطہ हुआ? उससे रابطہ करने की क्या जरूरत? सारे रिश्ते नाते तो तोड़ के जा चुके। फिर भी मैंने मामा के कहने पे उसे फोन किया था। फिर क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? अच्छा मैंने कहा कि पापा की तबीयत बहुत खराब है, तुम आओ उनसे मिलने, तो कहने लगी कि मामा बहाना करिए कि मैं घर वापस आ जाऊं। अच्छा
बच्ची है, कम उम्र है, उसे भी इन बातों की समझ नहीं है। वो तो एक बार बच्ची नहीं है भाभी, निकाह किया है उसने, वो किसी की बीवी बच्ची नहीं है। पर हमारा उस पर कोई हक भी नहीं है। लगता है आजकल तुम्हारे काम में दिल नहीं लगता, इसलिए ऑफिस छोड़कर यहाँ गपशप चल रही है तुम्हारी। क्या फजूल बातें कर रही है? मैं सुबह से घर पर हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट ही, और अपनी भाभी के लिए टाइम ही टाइम। तुम्हारे पास कितना वक्त है मेरी? एक हफ्ते से पापा हॉस्पिटल में थे, तुम उन्हें तक देखने नहीं। अपनी अय्याशियों से फुर्सत मिले तो तुम ये सब कुछ कर। तुमने तो अपने औलाद का भी खून कर दिया। You know what? Carry on. जाने क्या जिंदगानी हुई, जाने क्या जिंदगानी हुई। खाला प्लीज, आपको उसे समझाना होगा, वो क्यों कर रहा है ऐसा। मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी सब उसके हवाले कर दिए मैंने। हम मेरे पास एक हिला नहीं है उसको देने के लिए, कहाँ से लाऊं पैसे? ना कुछ देख के भी ना कुछ हाथ नहीं आया मेरे, ना घर मेरा हुआ और ना दुकानें। देखो गलती तुम्हारी है, तुमने इतना बड़ा काम कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। मशवरा तो कर लेती। हाँ खाला, मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है, मुझे आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए थी, पर इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज मेरा साथ दें। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सौकन कैसी है? खूब नखरे उठवा रही होगी अनिक से। ऐसे वैसे जब से आई है पलंग पे बैठी है। देखो समीरा, अगर वो माँ बन गई ना तो अनिक गया तुम्हारे हाथ से। तो फिर मैं क्या करूँ खाला, मैं उसे माँ बनने से रोक तो नहीं सकती? अरे रोक सकती हो, बिल्कुल रोक सकती हो। मगर कैसे खाला? देखो तुम कुछ ऐसा करो कि बच्चा दुनिया में आ ही ना सके। क्या मतलब? इसे खाने पीने में कुछ मिला के दे दो। मगर क्या दूँ खाला? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं ला के दूंगी तुम्हें। मगर खाला वो जब से यहाँ आई है मैंने ढंग से बात नहीं की उससे। कुछ खाने को नहीं पूछा, अब एकदम कैसे? और आपको लगता है कि अनिक मुझे कोई खाना देना देगा उसको? अरे तुम तो हो ही सदा की बेवकूफ। अरे पहले उससे घुलो मिलो, दोस्ती बढ़ाओ, और फिर दोस्ती बढ़ जाए तो दे देना उसे। ओके खाला, गौर करती हूँ उस पर। खुदाफिज़। आप जानती हैं क्या कह रही है? जिंदगी अब अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अम्मा वो मैं उसे पसंद करती हूँ। माँ के सामने इस किस्म की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम पे भरोसा किया मैंने, तुम्हें आजादी दी, यही मेरी भूल थी। मौजूदगी में काजी साहब से निकाह पड़ा है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैंने इनसे बाकायदा शादी की है? अब आपका मुझ पर कोई हक नहीं। मैं रुक जाओ वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। आप ये सारे ड्रामे ना अपनी बहुओं के साथ करें, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होने वाला।
अब आप मुझे भूल जाएं। मेरा आप सब लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। अब्बा, वो नखरे तो कर रही थी लेकिन कसम को तो आपकी बड़ी प्यारी लग रही थी। क्या खाक प्यारी लग रही थी? मेरे अरमानों का खून करके बेगैरत ने अपना ब्याह रचा लिया। तू तो हर वक्त जलती रहना, खुशी के मौके पे तो खुश हो जाया कर। जल जल के तेरा मुंह काला हो गया पापा। जरा ये शादी खत्म हो जाए फिर तुझे बताती हूँ। सबसे ज्यादा गाली ना तू ही देगी इसे। अपने इस मजबूत मुंह से कभी तो अच्छी बात निकाल लिया कर। अरे नगीना, तेरी बहू तो जब से रोई जा रही है। सही कह रही थी रशीदन, शादी वाली तो इसके चेहरे पे कोई बात ही नहीं लग रही। ऐसा गबरू जवान खसम मिला है फिर भी इसकी कोई खुशी नहीं है चेहरे पे। आए बावली, लड़कियां अपना घर बार छोड़कर माँ बाप को छोड़कर आती हैं। अब क्या वो बैठ के मेरे साथ तालियां पीटे रोएगी ना? और तू भी जाकर तालियां पीटियां बैठ के जसूसियां मत कर जा। वो ये जा, ये इतना बुरा मुंह बनाया है सारे दिन में, मुंह काला करवा रही है हमारा, आंसू बंद कर। मुंह समारी भगोड़ा।